मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर जिले में बीते 24 घंटे के दौरान पुलिस ने अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री में लिप्त 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 198 लीटर कच्ची, 149 पाव देशी विदेशी शराब जब्त करने के साथ ही 950 ग्राम गांजा जब्त किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश के साथ ही जबलपुर जिले में भी अवैध शराब और नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध पुलिस की सख्ती जारी है। इसी कड़ी में खमरिया पुलिस ने भोलक में अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश देकर 40 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की है। वहीं मौके पर कच्ची शराब बनाने के लिए ड्रमों में एकत्र किया गया 3400 लीटर लाहन बरामद कर लाहन को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। ये मामला है, इसमें एक नाला है भोलक घाट जिसको कहा जाता है, वहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा कच्ची शराब बनाई जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 3000 से ज़्यादा लीटर लहान जिससे कि शराब तैयार की जाती है उसको नष्ट कर दिया है। साथ ही वहाँ पे दो भट्टियाँ थी उनको भी नष्ट किया है। वहाँ पे जो रेडी कच्ची शराब 40 लीटर के लगभग मिली है उसमें अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस को आता देख करके, क्योंकि जो वहाँ पे आरोपी बना रहे थे शराब वो भाग चुके थे, इस वजह से आरोपी यानी गिरफ्तार नहीं हो सके, पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं जा सके, किंतु उनके बारे में जानकारी उठाई जा रही है। जैसे ही जानकारी मिलेगी उनको नामजद किया जा करके उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में बीते 24 घंटे में नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर पुलिस ने 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध शराब के साथ ही गांजा भी जब्त किया गया है।